हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कोरोना वायरस के मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। जो एक मामला बिलासपुर में कोरोना वायरस आया हुआ था अभी संदिग्ध है, अभी उसकी जाँच रिपोर्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कोरोना वायरस के मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। जो एक मामला बिलासपुर में कोरोना वायरस आया हुआ है अभी संदिग्ध है, अभी उसकी जाँच रिपोर्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएमओ बिलासपुर डॉक्टर प्रकाश दरोज का कहना है कि वीरेंद्र कुमार नवयुवक जो कि साउथ कोरिया से आया था, जो कि संदिग्ध है, उसके पूरे परिवार की जांच करवाई गई है। हालांकि किसी को भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा गांव में भी चिकित्सकों की टीम भेजी गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया वे कोरोना वायरस की फैलाई जा रही भ्रांतियों पर विश्वास ना करें। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य विभाग को संपर्क करें। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर मरीजों के लिए बिलासपुर में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर भी पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी तरह के मामले से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और कहा कि वीरेंद्र कुमार नामक युवक जो कि साउथ कोरिया से आया था, जिला बिलासपुर के चलहली ग्राम पंचायत का रहने वाला है। स्वदेश लौटने के बाद उसने स्वेच्छा से कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहा, इसलिए विभाग ने उसे एम्बुलेंस के माध्यम से शिमला IGMC हॉस्पिटल भेजा है, जहाँ पर उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सबसे पहले तो मैं जितने भी मीडिया से जुड़े लोग हैं, चाहे वो मीडिया से चाहे वो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी से एक अपील भी करना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस के बारे में जब तक कोई कन्फर्म केस नहीं हो जाता तो इसके बारे में जो अफवाहें हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, जो पैनिक फैलाने की वो बराए मेहरबानी से कोशिश ना करें। एक जहाँ तक सवाल है, एक जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो केस आया वो इसके हरलोक के नज़दीक चलाली गांव का रहने वाला था, जो कि रिसेंटली साउथ कोरिया से आया और साउथ कोरिया में केसेस इसके पाए गए थे और इसको मद्देनज़र रखते हुए उसने इच्छा जाहिर की है कि मैं अपना टेस्ट करवाना चाहता हूँ और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने 108 अपनी जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है हमारे और वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं प्लस हमारे जो वहाँ के जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको मौके पर भेज के सीजी का मायना लिया और उसको 108 के माध्यम से टेस्ट करने के लिए IGMC शिमला पहुँचाया गया और उसका टेस्ट जो है IGMC के माध्यम से पूना हो रहा और वो अभी तक उसकी रिजल्ट नहीं आया। उसको सिर्फ मान के चल रहे हैं कि सस्पेक्शन उसमें वो है, सस्पेक्टेड केस हो सकता है ना, लेकिन कंफर्म नहीं। जब तक कंफर्म नहीं होता तो इसके ऊपर कहना मुश्किल है कि वो संक्रमित है या पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ तक तैयारियों की बात है तो जिला बिलासपुर ने कोरोना वायरस को लेकर जो भी तैयारी जरूरी थी वो सारी पूर्ण कर। घर के 5 लोग उसके मेंबर थे, अगर उस आदमी की बात करें वीरेंद्र उसका नाम है, और उनके सभी के घर में इसमें मेन जो हमने देखा जाता है कि इसमें खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो मुख्य लक्षण ही माने जाते हैं। जो है स्टेट की तरफ से हमें जो डायरेक्शन आई है, लेकिन जब उनके घर में सभी मेंबरों को जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो उनके किसी भी कंटैक्ट में ऐसा नहीं पाया गया कि किसी को खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ। बिलासपुर में क्या स्पेशल वार्ड बनाया गया इसके लिए? इसके लिए हमने जो एक आइसोलेशन वार्ड स्पेशली बनाया गया जो कि फुल्ली इक्विप्ड है और 4 बेड उसमें लगा दिए गए हैं।